कि महफिलों में उन सभी लोगों को आना चाहिए, महफिलों में उन सभी लोगों को आना चाहिए एक तबस्सुम के लिए जिनको जमाना चाहिए, एक तबस्सुम के लिए जिनको जमाना चाहिए। क्या अभी इस शहर में बाकी है मेयारे सुखन, क्या अभी इस शहर में बाकी है मेयारे सुखन, चंद अच्छे शेर पढ़कर आजमाना चाहिए, चंद अच्छे शेर पढ़कर आजमाना चाहिए। सच्ची है महफिले मिदहत, सजी है महफिले मिदहत यहाँ अली के लिए, सजी है महफिले मिदहत यहाँ अली के लिए। बहुत मुफीद खबर है यह आदमी के लिए, बहुत मुफीद खबर है यह आदमी के लिए। सिवाय आले नबी एक शेर भी लिखूं, हिलाल नबी, सिवाय आले नबी एक शेर भी लिखूं के ख्याल ही नहीं आया कभी किसी के लिए, के ख्याल ही नहीं आया कभी किसी के लिए। सलावत पढ़े मोहम्मद, आले अतहार की पैरवी चाहिए, आले अतहार की पैरवी चाहिए, मौत के बाद की जिंदगी चाहिए, मौत के बाद की जिंदगी चाहिए। इल्मो सब्रो खनात भी मिल जाएंगे, इल्मो सब्रो खनात भी मिल जाएंगे, इत्तेबाए इमाम नखी चाहिए, इत्तेबाए इमाम नखी चाहिए। जगमगाएगा दिल उनके किरदार से, जगमगाएगा दिल उनके किरदार से, हम अंधेरे में है रोशनी चाहिए, हम अंधेरे में है रोशनी चाहिए। उनके दर की फकीरी को शाही समझ, उनके दर की फकीरी को शाही समझ, या तकब्बुर नहीं आजजी चाहिए, यहाँ या तकब्बुर नहीं आजजी चाहिए। बारगाहे इमामे नखी पर चलो, बारगाहे इमामे नखी पर चलो, गर तुम्हें दौलते आगही चाहिए, गर तुम्हें दौलते आगही चाहिए। पुरसिशे खबर का कोई खदशा नहीं, पुरसिशे खबर का कोई खदशा नहीं, उनके दामन से वाबस्तगी चाहिए, उनके दामन से वाबस्तगी चाहिए। एक दौलत है हुब्बे अली दोस्तों, एक दौलत है हुब्बे अली दोस्तों, एक दौलत है हुब्बे अली दोस्तों, और ये दौलत हमें लाजमी चाहिए, और ये दौलत हमें लाजमी चाहिए। वो मुकद्दर जो सलमान व बूजर का है, वो मुकद्दर जो सलमान व बूजर का है, उस मुकद्दर की ताबिंदगी चाहिए, उस मुकद्दर की ताबिंदगी चाहिए। आखिरत में जो ले जाए फिरदौस में, आखिरत में जो ले जाए फिरदौस में, हमको शादा वही शायरी चाहिए, हमको शादा वही शायरी चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद को दसवें इमाम के जमाने में जो सबसे जो जुल्म करने वाला जो जालिम था खलीफा, वो मुतवक्किल और सलावत पढ़े मोहम्मद। अगर उस्ताद मोहसिन खैराती साहब जो हैं अपने तकरीर में फरमा रहे थे कि मुतवक्किल अब्बासी वो ताबूत था जिसने 17 बार इमाम हुसैन की कब्र को मिसमार किया और उस पर पानी छुड़वा दिया। जो भी इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाता था उसे गिरफ्तार करके शहीद कर देता था। ये मुतवक्किल का हालत थी।
लेकिन उसी के घर में ये तो मुरीद इमाम थी, एक उन्हीं के घर में मुरीद इमाम थी उनकी वालिदा। अल्लाह अकबर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस ताबूत के घर में एक मुरीद इमाम की जब हाजात कबूल हो जाती है, तो आज की शब में ये मवालिया ने इमाम अली नखी क्यों ना हो, हमारे हाजात कबूल ना हो जाए। तो इसी वजह से आइए दसव दुआ होंगे कि जिसको नहीं जवाल व दौलत नसीब हो, हमें अली की जियारत नसीब हो, आमा शिताब कर दे मेरे दिल के चैन का, परवर दिगार दे हमें सदखा हुसैन का, या रब दुआ शिताब हमारी कबूल हो, इस साल करबला की जियारत नसीब हो, रबना तकब्बल मिन्ना।